दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। अभी ये टाइमर मोड पर है, 10 से लेकर 1 तक इसका रीडिंग दिखाएगा जब तक कि टाइमर ऑन नहीं होगा। अब देखिए, टाइमर ऑन हो चुका है और स्टेबलाइजर हमारा, आप देख सकते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज एनालॉग मीटर में भी और मीटर के डिजिटल डिस्प्ले में भी, दोनों में ही आपको वोल्टेज दिखाई पड़ेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। तो फिर इसमें हमने क्या किया है, कैसे किया है, देखने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखिए। वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि वीगार्ड कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है VEW 400+। ये एक AC पर यूज़ होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। चलिए अब आपको इसका कवर हटाकर अंदर से दिखाते हैं, अंदर से ये कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए, इसमें ये सर्किट यूज़ किया गया है और ये 110 वोल्ट से काम करने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसमें 3 कंट्रोलिंग रिले यूज़ की गई हैं और एक टाइमर रिले, जो आप येलो वाली रिले देख रहे हैं, वो यूज़ की गई है। तो आज की वीडियो में हम इसे पुराने सर्किट को हटाकर इसकी जगह अपना माइक्रो कंट्रोलर सर्किट यूज़ करेंगे जो कि डिजिटल डिस्प्ले के साथ में है। तो ये सब हम हटा देंगे। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, मान लीजिए कई बार सर्किट में फॉल्ट आ जाता है, सर्किट रिपेयर नहीं हो पाता है, बहुत से पार्ट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं और सर्विस सेंटर वगैरह से इसकी किट काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इसके लिए हम ये आपके लिए एक ऑप्शन लेकर आए हैं, आप इसमें ये डिजिटल डिस्प्ले वाली किट हमारी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और लगाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए, हमने इसकी पुरानी किट हटा दी है और इसमें देखिए, इसका हम डिस्प्ले भी हटा देंगे इसकी जगह। ये देखिए, हमने बिल्कुल सारे कनेक्शंस वगैरह इसके हटा दिए हैं। अब इसकी जगह पर हम जो अपनी किट यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इसके कनेक्शंस करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, किट के कनेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी इनपुट सप्लाई आएगी मेन ट्रांसफार्मर से, उसके बाद रिले का कॉमन वायर आएगा, फिर इनपुट 2 रिले का, फिर इनपुट 1 रिले, आउटपुट रिले और लास्ट में हमारा टाइमर रिले कनेक्शन इसमें हम करेंगे। और देखिए, ये जो जैक आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमारा डिस्प्ले का जैक है ये, और लास्ट में ये जो तीसरा जैक है, ये इसमें न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट कनेक्शन हम करेंगे। जी हाँ, ये देखिए, ये एक 3-पिन जैक है, इसमें 3 वायर दे रखे हैं, ब्लैक, ब्राउन और ये आपका रेड वायर। ब्लैक वाला आपका न्यूट्रल हो गया और ब्राउन वाला आपका आउटपुट कनेक्शन जाएगा और जो रेड वाला है इसमें हम इनपुट कनेक्शन दे देंगे। तो इसमें सीधा AC करंट दिया जाएगा और साथ ही साथ ये जो अलग दूसरा जैक है, इसमें आपको मैंने बता ही दिया है कैसे कनेक्शन करेंगे। देखिए, इनपुट सप्लाई सर्किट में हम जो देंगे 24 वोल्ट की, 20 वोल्ट या 24 वोल्ट की सप्लाई हम ट्रांसफार्मर से दे देंगे और बाकी देखिए, ये जो रिले के वायर वगैरह दे रखे हैं, ये सब रिले की कॉइल से कनेक्शन आए हैं। ये सारे कनेक्शन हम किट में कर देंगे, जैसे कि आपको बताए थे कि कैसे होंगे। पहली रिले हमारी जो इनपुट रिले है वो इनपुट 1 कहलाती है, दूसरी वाली जो रिले है वो इनपुट 2 कहलाएगी और जो तीसरी वाली रिले है वो आउटपुट कहलाएगी और ये जो येलो वाली है ये हमारी टाइमर और हाईकट की रिले है। इसे कनेक्शन इस किट में हम कर देंगे जिस तरह से आपको बताया। देखिए, सबसे पहले हम जो सभी रिले का एक कॉमन वायर है कॉयल का, वो हम करेंगे, ये जो कि हमारी इनपुट सप्लाई के बराबर में जो कनेक्शन है वो रिले का कॉमन वायर आएगा। और उसके बाद में देखिए, हम इनपुट टू रिले का कॉयल का कनेक्शन हम करेंगे कॉमन के बाद में, और उसके बाद में इनपुट 1 रिले, उसके बाद में आउटपुट रिले और सबसे आखिर में हम टाइमर रिले का कनेक्शन करेंगे। तो ऐसे हम इसके सारे कनेक्शंस करते हैं, देखते रहिए। चलिए, अब ट्रांसफार्मर से इनपुट सप्लाई समझ लेते हैं सर्किट के लिए। देखिए, इसमें 3 वायर दे रखे हैं, तो इसमें से हम चेक करके मल्टीमीटर से 20 वोल्ट के आसपास की जो हमारी सप्लाई होगी उसे हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे। इसमें से हमें केवल 2 ही वायर कनेक्ट करने हैं, 3 वायर इसमें दे रखे हैं, इसमें से 2 वायर हम निकालेंगे जहाँ पर हमारी 20 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच में सप्लाई आएगी, वो सप्लाई हम इसमें कनेक्ट कर देंगे।
ये देखिए, ये हमने इसमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर दी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। अब हम न्यूट्रल आउटपुट और इनपुट का जैक भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जैक लगाना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम ये जैक कनेक्ट नहीं करेंगे न्यूट्रल आउटपुट और इनपुट से, तब तक हमारी किट वर्क नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। देखिए न्यूट्रल, इसमें जो किट हमने निकाली है अभी इसमें से, उसमें भी न्यूट्रल आउटपुट और इनपुट किट में दे रखा था कनेक्शन, वही कनेक्शन हम इसमें कर लेंगे। देखिए ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का आया हुआ है, ये हम किट के न्यूट्रल से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए जो हमने ब्लैक वाला वायर आपको बताया था किट में, वो भी न्यूट्रल का है। और इत्तेफाक से ये जो वी गार्ड का स्टेबलाइजर दे रखा है, इसमें भी कलर वही दे रखा है जो कि हमारी किट में दे रखा है कलर। यानी इसमें देखिए ब्लैक वाला वायर जो किनारे किट में कनेक्शन कर रखा था वो न्यूट्रल का हो गया, और ब्राउन वाला वायर जो हमारी किट में आउटपुट है, इनकी किट में भी आउटपुट पर दे रखा था कनेक्शन, वो हम आउटपुट लेके पोल पर से उठाएंगे। देखिए कलर बिल्कुल सेम है। और जो इनपुट लेयर पर से वायर आएगा इनपुट का, तो हमारी किट में भी वो रेड कलर का है और वी गार्ड में भी वो रेड कलर का दे रखा है, यानी कलर बिल्कुल सेम है। तो हम वैसे ही सब लगा देंगे। इस तरह से ही हमारा न्यूट्रल आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन हो गया है। अब बारी है इसमें डिस्प्ले का जैक लगाने की। तो देखिए इसमें हम डिस्प्ले का जैक लगाते हैं और उसके बाद ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए हमने इसमें जैक लगा दिया, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि ये जो मीटर है हमारा 72 mm के साइज़ में है, और इसमें हम अंदर से देखिए इसे खोल लेंगे। इसे खोलकर इसके अंदर से हम डिस्प्ले निकाल लेंगे और डिस्प्ले हमारा इसमें स्टेबलाइजर में लग जाएगा। ये देखिए, ये हम यहाँ पर इसके दो पेज खोलेंगे, बहुत ही आसानी से खुल जाएंगे। और उसके बाद में इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा डिस्प्ले बाहर को आ जाएगा। डिस्प्ले बाहर निकाल कर हम इसे, ये देखिए इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। अगर देखिए हमें मेन लाइन के स्टेबलाइजर में लगाना है, वहाँ पर 72 mm का साइज़ होता है आमतौर पर मीटर का, तो हम बॉडी के साथ में लगाएंगे। लेकिन अगर इस टाइप का कोई स्टेबलाइजर है तो हम इसे ऐसे यूज़ करेंगे एज ए डिस्प्ले। ये देखिए यहाँ पर हमारा डिस्प्ले लग जाएगा। चलिए अब कनेक्शन तो हमारे सब कम्प्लीट हो चुके हैं, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है आउटपुट पर, आप वोल्टेज उस पर भी देख सकते हैं और इसकी डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। देखिए सेट करने के लिए इसमें केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है, दूसरा प्रीसेट जो है आईसी के बारे में वो केवल वोल्टेज की सेटिंग है। यानी डिस्प्ले में अगर हमें वोल्टेज का कुछ कम या ज़्यादा करना है तो उससे हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट सेटिंग के लिए केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है इसमें, जो कि वाइड वाली रेजिस्टेंस के पड़ोस में है। इसी से हम, ये देखिए अभी हमारा टाइमर वर्क कर रहा है, 10 से लेकर 1 तक की इसमें रीडिंग आएगी, उसके बाद ही आउटपुट स्टार्ट करेगा। ये देखिए अब इसके हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और इसे सेट करते हैं। देखिए हमें सेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। 200 और 250 वोल्ट के बीच में आउटपुट निकाल रहा है, बहुत ही अच्छे फंक्शंस आ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें सेट करना पड़ता तो हम इस पे सेट से आउटपुट वोल्टेज सेट करते। अभी हम वोल्टेज आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके बताते हैं ताकि आप समझ सकें सेटिंग कैसे होगी इसकी। ये देखिए इसकी आउटपुट हमने डिस्टर्ब कर दी है, अभी आउटपुट 270 वोल्ट तक जा रहा है। तो हमें अब इसे 250 वोल्ट पर लेकर आना होगा आउटपुट को, और अब हम सेट करेंगे। हमें एक पे सेट को बस एक ही बार सेट करना है। ये देखिए हम इसे एक ही बार सेट कर देंगे जिससे इसके सारे स्टेप्स खुद ही सेट हो जाएंगे, वैसे बार बार हमें सेट नहीं करना है। ये देखिए हम बस एक कट लेकर आएंगे, बाकी कट इसके खुद ही आएंगे। ये देखिए हमने एक बार इसे सेट कर दिया, अब हमें दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे कट इसके खुद ही आएंगे। और यहाँ तक कि हाई कट भी इसका अब सेट हो चुका है। अब इसके फंक्शन देखिए आप, कितने बढ़िया फंक्शन आ रहे हैं। अब बारी है सर्किट को फिट करने की। ये देखिए जो वायर अभी तक खुले हुए थे हमने सब पर टेप लगा दिया है, इस बात का खास ध्यान रखें कोई भी वायर खुला हुआ ना रहे, इससे करंट लगने का चांस रहेगा, तो अच्छे से टेप लगा दें। अब इस सर्किट को हम फिट कर देंगे बॉडी में, अच्छे से इसे टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से ताकि हिले डुले ना। अब बारी आती है डिस्प्ले को फिट करने की। देख लीजिए इसे हम कैसे फिट करेंगे। ये देखिए हमने इसमें एक पेच लगाया है और इसमें हम डिस्प्ले को टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम डिस्प्ले लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा।
देखिए यहाँ पर हम फाइबर वाशर यूज़ करेंगे जिससे कि नट वगैरह कसने पर डिस्प्ले का कोई भी प्रिंट शॉट ना हो। फाइबर वाशर से ये बेनिफिट रहता है कि इसमें प्रिंट शॉट होने का डर नहीं रहता है। इसमें हम लोहे का कोई वाशर यूज़ नहीं करेंगे, केवल फाइबर वाशर यूज़ करेंगे। अगर फाइबर वाशर हमारे पास नहीं है तो हम गत्ता वगैरह भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी माइक कंट्रोलर किट इसमें कितना अच्छा वर्क कर रही है। इसमें आपको डिस्प्ले पर इनपुट वोल्टेज भी बताएगा और आउटपुट वोल्टेज भी बताएगा, लिख कर आएगा इनपुट आउटपुट सारे वोल्टेज इसमें बताता रहेगा और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है। अब एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा टाइमर इसका वर्क कर रहा है। अभी 10 से लेकर 1 तक रीडिंग आएगी इसकी, उसके बाद फिर ये आउटपुट स्टार्ट करेगा। आउटपुट के लिए मीटर हमने एक लगा रखा है, ये देखिए। और अब इसके सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये हमारे सर्किट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।